टॉप फोर बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स अंडर 35,000 रुपीज़। सो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया पर। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए बेस्ट एक फ्लेक्सिबल लेवल वाला गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और आपका जो बजट है वो भी लिमिटेड है, 35,000 रुपीज़ तक ही आपका बजट जा पाता है, तो आज के इस वीडियो में आपके नीड, यूजर्स और कंपनी के अकॉर्डिंग टॉप फोर स्मार्टफोन्स को हमने सेलेक्ट करा है, जहां पर आपको फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल लेवल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और जबरदस्त आपको चार्जिंग स्पीड एंड बैटरी स्पेसिफिकेशन भी काफी कमाल के देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको टॉप नॉच लेवल वाला कैमरा और भी काफी सारे तगड़े स्पेसिफिकेशंस आपको इन सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। सो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहेंगे वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो आता है IQOO की तरफ से IQOO Neo 7 Pro 5G स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन अभी रिसेंटली ही जुलाई मंथ में ही लॉन्च हुआ है। सो जिनको भी एक रिसेंटली लॉन्च एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए और उनका बजट 35,000 रुपीज तक चला जाता है, तो वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और ये इस बजट में आने वाला सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। इसमें आपको एक अलग से इंटीग्रेटेड चिप देखने को मिल जाती है, जो कि स्पेशली गेमिंग के लिए ही यूज करी गई है। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 3.2 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 8GB की वर्चुअल रैम सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड वहीं पे आपको 128GB की इनबिल्ट मेमोरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की काफी बढ़िया बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। और वहीं पे आपको 120 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे आपका जो स्मार्टफोन है लगभग 20 से 25 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज हो जाएगा और बैटरी भी काफी दमदार आपको देखने को मिलती है। सो सिंगल चार्ज में आपको काफी बढ़िया बैटरी बैकअप यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.78 inches का एक काफी बढ़िया AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि 1080x2400 pixels का है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 388 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके साथ साथ आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि हेल्प करेगा आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को। जब भी आप किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या किसी OTT प्लेटफॉर्म में कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे, तब आपको यहाँ पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा। इसके साथ साथ आपको 1300 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। सो जब भी आप अपने स्मार्टफोन को आउटडोर में यूज करोगे, तब आपकी स्क्रीन जो होगी इजिली विजिबल होगी। इसके साथ साथ आपको स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो जब भी आप अपने स्मार्टफोन में कुछ भी यूज करोगे या कुछ भी स्क्रॉल करोगे, तब आपको यहाँ पे काफी स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा। वहीं पे अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। सो जब भी आप अपने स्मार्टफोन से कोई फोटोज क्लिक करेंगे या फिर वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे, वो काफी स्टेबलाइज आएंगी और एक बढ़िया क्वालिटी में निकल कर आएंगी। इसके अलावा जब भी इस कैमरे से आप वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे, मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर फुल HD में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करें, तो 16MP का आपको एक सामने सेंसर देखने को मिलता है और आप सामने की तरफ से भी काफी बढ़िया क्वालिटी में अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये तो रहे हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों, सेकंड नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो आता है OnePlus की तरफ से Nord 3 5G स्मार्टफोन। तो जिनको भी OnePlus की तरफ से आने वाला कोई स्मार्टफोन लेना है 35,000 रुपीज के बजट में, वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और ये स्मार्टफोन भी इस बजट में काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। अगर आप इसे मार्केट में लेने जाएंगे, तो आप इसे 33,000-34,000 के बजट में आराम से खरीद सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 3.05 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको 5000 की ही बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, बट यहाँ पे आपको 80 वाट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। सो थोड़ा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लगभग 30 मिनट या फिर 35 मिनट तक आपको देना पड़ सकता है इस स्मार्टफोन को 0 to 100% फुल चार्ज करने में। इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.74 इंचेस की एक काफी बढ़िया AMOLED पैनल देखने को मिल जाती है और AMOLED स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो जब भी आप इस स्मार्टफोन में कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे, तब कलर्स आपको काफी नेचुरली देखने को मिलेंगे और पिक्चर क्वालिटी भी आपको यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। और ये जो डिस्प्ले है वो 1214x2772 pixels के हैं
सो यहाँ पर आपको पिक्सल्स भी काफी जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और वो स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो जब भी आप इस स्मार्टफोन में कुछ स्क्रॉल करोगे या कुछ भी यूज करोगे तो यहाँ पर भी आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफ फीचर्स की तो आपको यहाँ पर भी काफी बढ़िया ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट, जिसमें आपको 50MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, 8MP का एक सेकेंडरी कैमरा और तीसरा आपको यहाँ पे 2MP का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आप यहां से मैक्सिमम 30fps पर अल्ट्रा HD में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करें तो 16MP का आपको एक सामने की तरफ सेंसर देखने को मिलता है जो कि सोनी IMX890 का सेंसर है और यहाँ पर भी आपको काफी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। सो ये रहे हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हमारे लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों थर्ड नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो आता है वीवो की तरफ से, वीवो V27 Pro स्मार्टफोन। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो ये स्मार्टफोन वैसे तो आपको 37-38,000 रुपीज की प्राइस रेंज में आपको मार्केट में देखने को मिलेगा जब भी आप इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन मार्केट में चेक करेंगे। बट अगर आप इसे शॉप से खरीदते हैं या किसी स्टोर पे जाके खरीदते हैं तब आपको यह 35,000 रुपीज के बजट प्राइस में मिल सकता है। सो आप इसे ऑफलाइन ही जाकर खरीदिएगा बिकॉज वीवो जो कंपनी है वो मेनली अपने ऑफलाइन कस्टमर्स को ही टारगेट करता है और ज्यादातर वीवो की जो सेल्स है वो ऑफलाइन मार्केट में ही होती है। तो अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर MediaTek Dimensity 8200 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 3.1 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 8GB की वर्चुअल रैम सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है एंड वहीं पे आपको 128GB की इनबिल्ट मेमोरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 4600mAh की काफी बढ़िया बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 66W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। सो यहाँ पर भी आपको बैटरी काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है और परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर भी आपको यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। सो आप इसमें भी काफी तगड़ी लेवल वाली गेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.78 इंचेस का एक AMOLED पैनल देखने को जाता है जो कि 1080x2400 पिक्सल्स का है और यहाँ पर आपको AMOLED पैनल देखने को मिलता है। सो यहाँ पर भी आपको पिक्चर क्वालिटी काफी जबरदस्त देखने को मिलने वाली है जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे और यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। सो ये लुक वाइज भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और वीवो जानी भी जाती है अपने कैमरा डिजाइन और एक यूनिक डिजाइन देने के लिए। इसके साथ साथ आपको इसमें भी HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर भी 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर भी आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा जब भी आप इस स्मार्टफोन को यूज करोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफ फीचर्स की तो वो भी काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं बिकॉज आपको यहाँ 50MP के प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट, जिसमें आपको 8MP का सेकेंडरी कैमरा और प्लस 2MP का एक थर्ड आपको यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाता है। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आप यहां से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर अल्ट्रा HD में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए तो 50MP का आपको एक सामने की तरफ सोनी IMX766V का सेंसर देखने को मिल जाता है और आप लगभग सेम क्वालिटी में सामने की तरफ से भी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो जिनको भी कैमरे के मामले में या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में कोई स्मार्टफोन लेना है तो वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं या फिर जिनको वीवो का स्मार्टफोन पसंद है तो वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो हमारे लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं लिस्ट के फोर्थ एंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों फोर्थ नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो आता है पोको की तरफ से F5 5G स्मार्टफोन और ये स्मार्टफोन आपको तकरीबन 27-28 हज़ार के बजट प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है और इस स्मार्टफोन को हमने मेनली उन लोगों के लिए रखा है जिनका जो बजट है 30,000 रुपीज के अंडर में चला जाता है तो वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और इस स्मार्टफोन में जो 28,000 के बजट प्राइस रेंज में जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनमें से बेस्ट स्पेसिफिकेशन आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं गेमिंग के तौर पर। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 2.91GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 7GB की वर्चुअल रैम सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और वहीं पे अगर बात कर लें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको 5000mAh की काफी बढ़िया बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 67W की सोनिक चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। सो यहाँ पर आपको बैटरी भी काफी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस का काफी बढ़िया AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है जो कि 1080x2400 पिक्सल्स का है
और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 395 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड 1300 nits तक की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है एंड फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर बात कर लें इस स्मार्टफोन की फोटोग्राफी फीचर्स की तो यहाँ पर भी आपको फोटोग्राफी फीचर्स काफी जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं बिकॉज आपको यहाँ पर भी 64 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और प्लस 2 मेगापिक्सल का एक थर्ड आपको यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरा सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आप यहाँ से भी मैक्सिमम 30 fps पर 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोस को अल्ट्रा HD में इजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए तो 16 मेगापिक्सल का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये रहे टॉप 4 गेमिंग स्मार्टफोन्स अंडर 35,000 जिन्हें आप इजिली बाय कर सकते हैं और इन सारे स्मार्टफोन में आप किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। जिस भी कंपनी का आपको स्मार्टफोन पसंद है आप उस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए राधे राधे।